वेलकम टू द क्लासी फूडोफाइल्स किचन। लास्ट वीक हमने तीन विदेशी ब्रेकफास्ट रेसिपीज बनाई थी जो बहुत ही ईजी, क्विक और टेस्टी थी। इस वीक हम तीन इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपीज बना रहे हैं जो अगेन बहुत क्विक, ईजी और टेस्टी होंगी। आई विल मेक वन पोहा, उपमा एंड वर्मिसली रेसिपी। तीनों सुनने में बहुत सिमिलर लग रहे हैं बट तीनों ही बहुत डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे ताकि आपके घर वाले ये ना बोलें कि सब्जियां सेम थी, तड़का सेम था, बस आपने उपमा, पोहा और वर्मिसली बदल दी। वी मेक तीन डिफरेंट तड़कास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोहे में अक्सर कंप्लेन आती है कि पोहा बहुत सॉगी बन गया या फिर अच्छा नहीं बना। मैं क्या करती हूँ, जैसे ही तड़के की तैयारी शुरू करती हूँ साथ में पोहे को सिर्फ पानी से वॉश कर लेती हूँ, नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर पानी, और फिर उसको स्ट्रेन होने देती हूँ और अच्छे से सूखने देती हूँ। बाकी बाद में बताऊँगी। चलो पोहा को तड़का लगाते हैं। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आई प्रेफर यूजिंग मस्टर्ड ऑयल फॉर ऑल माई इंडियन कुकिंग। यू कैन यूज़ पीनट ऑयल और ऑलिव ऑयल एज पर योर ओन चॉइस। मेरा सरसों का तेल अच्छे से पक गया है तो इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। आलू को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए सबसे पहले वो डाल के पकाएंगे। कई लोग बॉयल्ड आलूज यूज़ करते हैं तो वो क्विकली कुक हो जाते हैं, उसको आप बाद में डाल सकते हो विद अदर वेजीज, बट मैंने यहाँ पे कच्चे आलू यूज़ किए हैं बट उनको मैंने बहुत बारीक कट किया है तो वो फटाफट कुक हो जाएंगे। आलू हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं तो पीनट्स डाल देते हैं। पीनट को भी आपको अच्छे से लाल करना है तो बहुत अच्छा सा टेक्स्चर आ जाएगा आपके पोहे में। मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो अब मैं इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डाल रही हूँ। कई लोग सिर्फ मस्टर्ड सीड या जीरा या सौंफ यूज़ करते हैं, मैं तीनों यूज़ करती हूँ, मुझे तीनों से बहुत अच्छा सा फ्लेवर मिलता है। सबसे पहले डालूंगी राई, ये गई सौंफ, फिर जाएगा थोड़ा सा जीरा। अब इसके साथ ही मैं डालूंगी हरी मिर्च क्योंकि तीनों चीज़ें क्रैकल होने लग गए हैं। अब इसमें जाएगा खूब सारा कड़ी पत्ता, जो आप टू बी केयरफुल क्योंकि ये फ्लटर करने लग जाएगा। नाइस। इससे पहले कि हमारे मसाले जले इसमें जाएगा प्याज। अब ये बाकी सब्जियाँ एकदम ऑप्शनल है बट आई लाइक माई पोहा लाइक दिस तो मैं इसमें कलरफुल बेल पेपर्स डाल रही हूँ एंड कैरेट्स डाल रही हूँ। अब मेरा यूजुअली जो पोर्शन ये रहता है कि 60% वेजिटेबल्स होनी चाहिए और 40% पोहा होनी चाहिए तो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और टेस्ट बाइट भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब हम अपने तड़के को सीजन करेंगे विद सम सॉल्ट, ब्राउन शुगर। मुझे अपना पोहा खट्टा मीठा पसंद है तो मैं थोड़ी सी शक्कर, चीनी या ब्राउन शुगर कुछ भी डाल देती हूँ। थोड़ी सी जाएगी हल्दी एंड काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना और आई लाइक टू कीप इट क्रंची, क्रंची काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी आपको अगर पकाने में पका सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना सोक किया हुआ पोहा। अब पोहा बहुत डेलिकेट होता है तो इसको हम आराम आराम से मिक्स करेंगे, बी वेरी जेंटल विद इट। अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से मिक्स करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। नाउ आई लाइक टू सर्व माई पोहा विद सम भुजिया, एक्चुअली खूब सारी भुजिया। ये थोड़ा सा वियर्ड है बट आई लाइक टू सर्व सम खीरा विद माई पोहा। थोड़ा सा नींबू भी जाएगा, एक्चुअली दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा यूज़ कर लो। अब हम नेक्स्ट रेसिपी बना रहे हैं उपमा की, उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, तेल गरम हो चुका है उसमें हम डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स एंड थोड़ा सा जीरा। साथ में मैं डाल रही हूँ ये भीगी हुई चने की दाल, इसमें जाएगी मूंगफली। थोड़ी देर इसको रोस्ट करेंगे। मूंगफली के साथ साथ मैं थोड़े से इसमें काजू डाल रही हूँ, आप इसमें आमंड्स भी डाल सकते हो एंड स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद तो। ये तीनों चीज़ें काफ़ी क्रंची हैं, आपके उपमा को अच्छा सा टेक्सचर और क्रंच देगा ये। मूंगफली, काजू और दाल काफ़ी रोस्ट हो चुकी है तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक एंड हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता। अब
अब इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज, प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो यू कैन स्किप। प्याज हल्का सॉटे हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। अब सूजी में पानी जाने से पहले इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि हमारा उपमा थोड़ा खड़ा खड़ा बने और एकदम ऐसे खिचड़ी की तरह ना बने। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और हल्का सा ब्राउन करेंगे। अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस मिक्सचर को एज इट इज़ लेके ट्रैवल कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू ऐड हॉट वाटर टू इट एंड यू विल हैव एन इंस्टेंट उपमा रेडी। अगर अब आप देख रहे होगे तो हमारा सूजी काफ़ी रेड होना शुरू हो गई है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब पानी मैंने इसमें अंदाजे से डाला है, अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो बहुत खिचड़ी की तरह बन जाएगी। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपकी पूरी सूजी पानी में डूब गई है एंड हल्की सी आधा इंच ऊपर है, और फिर आप इसको ढक के रख दो और फिर ये पक जाएगा। सूजी अच्छे से ये डूब चुकी है पानी में, अब हम इसको ढक देंगे अच्छे से मिक्स करके। वेट, मैंने नमक तो डाला ही नहीं, इसमें रहेगा नमक। वील सी इट आफ्टर 5 मिनट्स ना। उपमा अब अच्छे से स्टीम में पक चुका है, इट्स टाइम टू गिव इट अ नाइस स्टर एंड सर्व इट। मैं इस पर खूब सारा धनिया डाल रही हूँ टू गिव इट अ फाइनल टच एंड लेट्स सर्व इट। पोहा बन गया, उपमा बन गया, नाउ वील मेक सम सेवैयाँ या फिर देसी चाउमिन। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस बैम्बिनो वाली वर्मिसली। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे कढ़ाई में। ये मार्केट में रोस्टेड भी मिलती हैं, आप रोस्टेड भी खरीद सकते हो, नहीं तो घर पे भी रोस्ट कर सकते हो। वर्मिसली रोस्ट हो चुकी है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इसको हम नूडल्स की तरह बॉईल करेंगे और बहुत कम बॉईल करेंगे क्योंकि वर्मिसली बहुत थिन होती है, तो आई थिंक इट विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आप इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो, अच्छे से सीजन हो जाएगी वर्मिसली। वर्मिसली बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। अब मैं इस वर्मिसली पे ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि चिपके ना और कुकिंग भी स्टॉप हो जाए। मेक श्योर आपकी वर्मिसली अच्छे से ठंडी हो जाए और चिपके ना, बिकॉज नोबडी लाइक्स चिपके हुए नूडल्स। वर्मिसली बॉईल हो चुकी है, अब इसको हम तड़का लगाएंगे। आई एम यूजिंग सम ऑलिव ऑयल, अगेन यू कैन यूज़ योर ओन चॉइस ऑफ ऑयल। ऑयल में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अनियंस। अनियंस को हल्का सा सॉटे करेंगे, अनियंस को हल्का सॉटे करके इसमें टमाटर डालेंगे। टमेटोज के साथ ही मैं अपनी सीजनिंग्स डाल रही हूँ। आई एम यूजिंग सम सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया, टमेटोज पक चुके हैं, नाउ आई एम पुटिंग सम वेजिटेबल्स इनटू इट। आई एम यूजिंग सम बेल पेपर्स, आप अपनी मर्जी की सब्जियां यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको स्किप भी करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हो। सम कैरेट्स, इन सबको मैंने पतला पतला काटा है, सो दैट मीन्स दे डोंट नीड अ लॉट ऑफ कुकिंग। अब इसको मैं हल्का सा सॉटे करके
इसमें डालूंगी सोया सॉस और थोड़ी सी केचप। थोड़ी सी सोया सॉस एंड साथ में ही मैं डाल रही हूँ अपनी बॉइल्ड वर्मिसेली। एंड हमारी वर्मिसेली हो गई रेडी। आई एम श्योर इस वीक के 3 दिन का ब्रेकफास्ट तो सॉर्ट हो गया है। इफ़ यू लाइक दीज रेसिपीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। बाय।